हे गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे केमिन के बारे में। दोस्तों, केमिन में क्या हुआ है अभी तो कोई कोई को पता नहीं एक्जैक्टली क्या हुआ है। अभी मैं आप सबको बताऊंगा शुरुआत से। दोस्तों, 18 जून को आते हैं केमिन में हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, क्या करने के लिए, इनोग्रेशन करने के लिए केमिन टू पोतिन रूट को। उसको कौन बनाया था? BRO ने। दोस्तों, उसमें प्रेजेंट था हमारा CM पेमा खांडू जी एंड असम का CM हेमंत बिस्वा सरमा जी एंड स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी एंड वहाँ का लोकल MLA। दोस्तों, दिन में तो पूरा हो जाता है उन लोग का इनोग्रेशन, पूरा फंक्शन बढ़िया से एकदम खुशी से उन लोग कर लेते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है कि एक ट्वीट आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह से आते हैं। दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा है? आज हम लोगों ने रोड इनोग्रेशन किया है जिसको BRO ने कंस्ट्रक्शन किया था। वो प्रोग्राम जो काम हुआ था बोला है असम, द प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन असम। प्रोग्राम जो असम में हुआ था बोला है, लेकिन एक्चुअली काम हुआ था अरुणाचल में हुआ था, किमिन में हुआ था। एंड उसके साथ और एक आते हैं नेशनल न्यूज चैनल आज तक, आप सबको पता होंगे आज तक भी सेम ही दे रहा है ये प्रोग्राम जो असम में हो रहा है और असम न्यूज में दे रहा है। ये असम से उस सीन को करारा जवाब पूरा लिख रहा है। इन दोस्तों, वहां से कहानी तो स्टार्ट हो गया। इन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है कि ऑल केमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है। उससे पता चला है BRO ने लिखा था प्रोग्राम को कहाँ में हुआ है बोल के, असम में हुआ है, असम बिलगढ़ में हुआ है बोल के प्रोग्राम को लिखा था पूरा काकोस में। उसके बाद साइन बोर्ड में पूरा केमिन लिखता है, वो सबको पूरा उन लोगों को धक के रख दिया, आप सब देख सकते हैं पिक्चर में। इन दोस्तों, और पता चला है कि उसको कौन ऐसे सर्कुलेट किया था, किमिन को बिलगढ़ असम कौन लिखा था। दोस्तों, वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कुमार, वो 12 तारीख को पूरा सर्कुलेट कर दिया। इसके बाद भिन्यू को भी नेम को ये कर दिया, किमिन को बिलगढ़ असम पूरा वो लिख दिया। दोस्तों, लेकिन उसको अभी एफ आई आर कर लिया है उसके अगेंस्ट किमिन पुलिस स्टेशन में। एंड दोस्तों, उसके बाद सोशल मीडिया में हर जगह में डिस्कशन करने लग गया। लेकिन दोस्त, आज फाइनली हमारा CM पेमा खांडू जी और हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी से रिएक्शन आया है दोनों से। दोनों ने क्या कहा है? मैंने CM का इंटरव्यू देखा है थोड़ा पहले। CM का इंटरव्यू को देखने से तो CM को तो कुछ पता ही नहीं, तो वहाँ में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, सब कुछ मतलब BRO मालूम था। CM जो जस्ट वो दिन को 18 दिन को जस मेहमान की तरह हुआ में चला गया था। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहे। अलग बात है प्रोग्राम जो फंक्शन जो दूसरा स्टेट में होने से, असम में होने से, प्रोग्राम तो अपना स्टेट में हुआ ना, उसको कैसे पता नहीं आएगा वो स्टेट का CM है। मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन CM ने ऐसे बोला है इसको जल्द से जल्द रिसॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे बोला है। एंड दोस्तों, हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर का कहना है BRO को डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया ये BRO का मिस्टेक था। एंड उन्होंने और कहा है इसको मतलब डिफेंस मिनिस्टर और उसका नॉलेज में नहीं था ये सब, मतलब BRO जो अपना मन मर्जी कर रहे थे, उन लोगों को कैसे मालूम नहीं होगा ये भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। BRO जो अपना मन मर्जी कर रहे थे, किसी को भी हाई पावर लोग को, मिनिस्टर लोग को कुछ भी मालूम नहीं था, सब कुछ BRO मालूम था, सब कुछ BRO का हाथ में था। मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा यार। एंड दोस्तों, अगर पब्लिक लोग प्रोटेस्ट नहीं करने से, डिस्कशन नहीं करने से सोशल मीडिया में, दोनों का रिएक्शन आना था, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं आना था। ये कह जो कुछ भी नहीं होना था, चुपचाप बैठना था, हम लोग को भी पता भी नहीं चलना था, ऐसे ही बीच में रह जाना था। इसलिए आजकल दोस्तों बहुत ही सोशल मीडिया जो पावरफुल है, इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है हम लोग को। एनीवे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं डेली ऐसे अपडेट लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो।